हम लोग पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 9 था ओपोइड एनाल्जेसिक। ओपोइड एनाल्जेसिक में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था आपको याद होगा कि ओपोइड एनाल्जेसिक क्या होते हैं, एनाल्जेसिया क्या होता है, ओपिएट्स किसे कहते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक और ओपोइड रिसेप्टर्स क्या क्या होते हैं, डेल्टा, म्यू और कप्पा। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो आप जाके लेक्चर 1 चेक करिए पहले, फिर उसको पढ़िए, क्या समझ आएगा। तो उसमें एक ड्रग थी पहली सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग, क्या था क्लासिफिकेशन बनाया था, नेचुरल सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक। तो नेचुरल में क्या था, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन जो है वो क्या है, एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं अफीम, अंग्रेजी में कहते हैं पॉपी प्लांट, क्या बोलते हैं पॉपी प्लांट। इस प्लांट से मिलता है, इसका बॉटनिकल नेम है पेपेवर सोमनिफेरम, फैमिली क्या है सोलेनम। इसके अनराइप फ्रूट से निकाला जाता है, कच्चे फल से, इसके कच्चे फल के लेटेक्स से इसको हम ऑब्टेन करते हैं। जो मॉर्फिन होता है वो दो तरह के होते हैं, उसमें अलग अलग साइकिल पाई जाती है। अगर उसके अंदर न्यूक्लियस फेनिल्थ्रीन न्यूक्लियस है तो वो अलग मॉर्फिन कैटेगरी है, अगर उसमें बेंजीन आइसोक्यूरोलिन ग्रुप साइकिल लगा है तो वो अलग। तो फेनिल्थ्रीन ग्रुप वाले तीन होते हैं, मॉर्फिन, कोडिन और थिबेन, और बेंजीन आइसोक्यूरोलिन वाले होते हैं तीन, पेपेवरिन, नेस्केपिन और नर्सिन। ये तीन अलग अलग कैटेगरी के ड्रग हैं जो कि मॉर्फिन के अंदर ही आते हैं, लेकिन इनका साइकिल इनके अंदर अलग अलग होती है, इसलिए इनका नाम अलग अलग है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर ले कि इसका बॉडी में क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। तो क्या होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कि किसी भी ड्रग का हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन पे जो भी असर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। चैप्टर 9 पढ़ रहे तो इतना आपको आइडिया धीरे धीरे हो गया होगा कि कैसे लिखते हैं, किसी ड्रग का एक्शन लिखते हैं, फिर इकोलॉजिकल एक्शन लिखते हैं, फिर काइनेटिक्स लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका एडीआर लिखते हैं और यूज, इतना ही हमको किसी ड्रग के नोट्स में इतना लिखा है। तो इकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो सबसे किसके लिए खाते हैं, एनाल्जेसिया के लिए। चैप्टर का नाम क्या है, ओपोइड एनाल्जेसिक। जब भी पेन होता है, मैंने बताया था सेंसरी नर्व को ब्लॉक करता है, जब भी बहुत खतरनाक पेन होता है उस पेन के लिए इसको हम देते हैं एनाल्जेसिया। इसका पहला इफेक्ट क्या है, एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया के साथ साथ थोड़ा सा सेडेशन भी कॉज करता है, नशा होती थी और इमोशनल बिहेवियर भी होने लगता है, इंसान थोड़ा सा भावुक हो जाता है और रोने वोने लगता है। अक्सर आप देखेंगे जब लोग शराब पी लेते हैं तो रोने लग जाते हैं, क्योंकि इमोशनल बिहेवियर, आपको लास्ट लेक्चर बताया था मैंने कि होता है तीन रिसेप्टर ना, म्यू था, कप्पा था, डेल्टा, और जब डेल्टा से जाकर बाइंड करेगा तो इमोशनल बिहेवियर को एक्टिवेट कर देता है, ये हमने लास्ट लेक्चर बताया था। दूसरा है सीएनएस, ब्रेन पे क्या इसका असर है, ब्रेन पे बेसिकली आपका यूफोरिया कॉज करेगा। यूफोरिया मतलब होता है मस्त रहना, नशे में रहना। तो इंसान हल्के फुल्का दारू पीएगा तो नशे वाला मूड रहता ना हल्का, उसको सब कुछ अच्छा लगता है, फील गुड आता है, तो वो यूफोरिया कहलाता है। जब सब अच्छा लगने लगे आपको ऑटोमेटिक सारा चिंता, सारा दुख, सारा तनाव आप भूल जाएंगे, आपको सब अच्छा लगने लगे, दिस इज कॉल्ड यूफोरिया। और डोज ज्यादा करने पर यह हो जाता है डिसफोरिया, उसी का जस्ट उल्टा, अब सब कुछ बुरा लगने लगेगा, सारा कुछ बुरा लगेगा, आप रोने लगेंगे, गाने लगेंगे, दुनिया खराब लगेगी, लगेगा आपको कोई है ही नहीं दुनिया में, मतलब उसका जस्ट उल्टा होता है। और स्लीप, सीरियस दूसरा असर क्या है, स्लीप नहीं आपको नींद आएगी अगर आप मॉर्फिन यूज करते हैं। रिस्पायरेशन इसका असर क्या है, रिस्पायरेशन को डिप्रेस कर देता है, आपका जो रिस्पायरेशन का रेट है उसे डिप्रेस कर देगा। प्यूपिल की बात करें, आपकी जो आंखों की प्यूपिल जो देखिए समझिए, ये आपका आंख है तो आंख के बीच में ये क्या है, लेंस है, पुतली है ना, और जो किनारे वाला पार्ट वो क्या है, प्यूपिल। जो साइड साइड में आपको दिख रहा सफेद सफेद पार्ट आइरिस वाला वो क्या है, प्यूपिल। तो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और लेंस बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाएंगी और आंखें सिकुड़ जाएंगी, इस केस में बोलते हैं प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और डायलेशन होता है, ठीक है। जब डायलेट करेगा तो पुतली छोटी और वो पीछे वाला प्यूपिल बड़ा, तो कॉन्स्ट्रिक्शन में प्यूपिल छोटा और पुतली बढ़ जाती है, क्या करता है कॉन्स्ट्रिक्शन काज करता है प्यूपिल में। एमेटिक एक्शन क्या है, हमारे ब्रेन में पाया जाता है एक FCTZ, इसे बोलते हैं कीमोटैक्टिक जोन, आई रिपीट कीमोटैक्टिक जोन, ये हमारे ब्रेन में होता है। और जैसे ही ये हम मॉर्फिन खाते हैं कम डोज में भी, जो लोग पहली बार दूसरी बार खाते हैं, जो रोज खाते हैं उनकी हैबिट, जो पहली दूसरी बार खाते हैं तो उनके कीमोटैक्टिक जोन पे जाके असर करता है, जिससे उल्टी शुरू हो जाता है, क्या आती है वोमिटिंग। एमेटिक एक्शन का मतलब क्या है, उल्टी शुरू हो जाएगी, CTZ पे एक्शन करता है, ठीक है। अगली बात करते हैं एंटीटक्सी इफेक्ट, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट किसमें है, खांसी में। आपने देखा कोडिन का सिरप आता है, कोडेक्स के नाम से आता है, कोडिन के नाम से आता है, तो इसका इफेक्ट खांसी में भी बहुत कम अमाउंट में डाला जाता है, लेकिन अब लोग उसका मिसयूज करने लगते हैं, क्योंकि नशे के लिए भी होता है और कोडिन खांसी भी ठीक करता है, तो लोग खांसी का सिरप ही पी करके पलटे रहते हैं। तो खांसी के सिरप को भी बैन किया जाता है क्योंकि उसमें कोडिन की मात्रा होती है, तो इसका इफेक्ट हमारे खांसी में भी है,
लो डोज में अगर हम लेंगे तो खांसी को भी ठीक करता है, एडीएच को इंक्रीज करेगा। अगला एक्शन है एडीएच, मतलब आप समझते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको वैसोप्रोसिन भी कहते हैं। इस हार्मोन का काम क्या होता है कि ब्लड से यूरिन से ब्लड का मतलब पानी का अब्जॉर्प्शन खींच लेता है, तो यूरिन की मात्रा क्या हो जाती है कम, अब ब्लड में पानी की मात्रा क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो एडीएच जब बढ़ेगा तो क्या करेगा, यूरिन की मात्रा कम होगी और ब्लड में वॉल्यूम वाटर का बढ़ेगा। जीआईटी, आपको पता है कि आपका इंटेस्टाइन होता है, तो आपके इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना, खाना ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, और जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा अच्छा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होगा और खाना जल्दी पचेगा। ये क्या करता है, जीआईटी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को घटा देता है, जब घटा देगा तो खाना धीरे धीरे पचेगा, वो प्रॉब्लम लैट्रिन में शुरू हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा जो जिसे कब्ज कहते हैं, ये सब दिक्कतें भी शुरू हो जाएंगी और खाने का डाइजेशन घट जाएगा। सीरियस पे इसका कोई असर नहीं है, सीरियस मतलब हमारे हार्ट पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, लेकिन अगर ज्यादा डोज लेने पर ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, इसको हाइपोटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन था, हेडिंग वाइज इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आराम से। हम आप बात करेंगे इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की, कि हमारे बॉडी में काफी पढ़ाया था काइनेटिक्स में, किस डोज में लेते हैं, ओरल इंजेक्शन, फिर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्रीशन। तो ओरली भी इसका डोज ओरली भी है और हमेशा इंजेक्शन के फॉर्म में ज्यादा आता है, आईवी आईएम के फॉर्म में ज्यादा आता है। इसका एब्जॉर्प्शन रेट स्लो है, अगर इसको ओरली खाएंगे तो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए इसको इंजेक्शन के रूप में देते हैं ताकि जल्दी से ब्लड में पहुंच जाए। और इसकी जो बाइंडिंग बॉडी में प्रोटीन के कहां होता है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसका, किसके साथ होता है, इन द कॉन्जुगेशन ऑफ ग्लुकोरोनिक एसिड, यानी जब ये ड्रग्स रिसेप्टर से हटता है तो कैसे हटता है, इसके साथ क्या लगता है, ग्लुकोरोनिक एसिड। अगर ये सब आपको समझ नहीं आता है तो आप स्टार्टिंग लेक्चर की वीडियो पढ़े हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूटर, मेटाबॉलिज्म, एक्रीशन, जब उसको समझ लेंगे तो ये सब चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ आने शुरू हो जाएगी। और एक्रीशन यूरिन के द्वारा ही होता है और 24 घंटे में पूरी बॉडी हमारे से बाहर निकल जाती है। डोज इसकी बात की जाए तो ये अलग अलग 0.2 ग्राम से लेकर 0.8 ग्राम के बीच में इसका डोज अवेलेबल होता है। एडीआर की बात करें, मॉर्फिन ड्रग का एडीआर क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि डिस्फोरिया, मैंने बताया पागलपन, इंसानी बुद्धि काम नहीं करेगी, पागल बुद्धि वाला काम करेगा। मेंटल क्लाउडिंग, दिमाग में अवसाद भर जाएगा तो रोएगा, गाएगा, उस चीखेगा, चिल्लाएगा। नौजिया, वोमिटिंग, ये चीज याद कर लो, दुनिया में कोई ड्रग पढ़ लेना उसका ये दो, नौजिया वोमिटिंग तो कॉमन है, इसको तो तुम लिखी दोगे एडीआर में बिना कहे, उसका ड्रग का होता है। और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन बताया मैंने यहाँ पे, जैकेट का मूड बिगड़ गया तो कॉन्स्टिपेशन कमजोरी हो जाता है, ये इसका एडीआर। अब यूज की बात करें तो यूज वही सब जो अभी देखा, यहाँ देसी होता है, स्लिप के लिए होता है, खांसी के लिए होता है ना, यही सब यूज भी हम लिख सकते हैं आसानी से। ये हमारा पूरा का पूरा मॉर्फिन ड्रग का फार्माकोलॉजी है। ठीक है, अब इसकी कैटेगरी में और भी ड्रग है, ये सिंथेटिक और नेचुरल हो गया, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक के भी है, उनके भी लेक्चर हम लोग जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, लिखिए।